घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। कुछ अगर गीत उसमें देखें तो वैसे तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पर गीत उसके बता रखे हैं और हम जानते भी हैं काफ़ी सारे गीत। जैसे बहुत फेमस एक गीत है, एक पुरानी मूवी है जिसका, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, है ना। यहाँ से मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि एक तो राग है यमन, जब उस राग को हम गीतों में प्रयोग करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, उसका पूरी राग न लेके उसका अक्स हम ले लेते हैं। और अक्स से मेरा ये मतलब है कि उसका थोड़ा चलन, थोड़ा एक छाया आपको लगे कि हाँ ये वो राग है, लेकिन बाकी उसमें क्योंकि गीत है तो थोड़ी लीनियंसी होती है कि आप थोड़ा इधर उधर जा सकते हो, एक्स्ट्रा सुर लगा सकते हो, थोड़ा चलन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो क्योंकि सुगम है। शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्र निबद्ध है, यानी नियम है, यानी चलन निश्चित है। आप कोई दूसरा स्वर लगाओगे तो राग हानि होगी, लेकिन सुगम में क्या रहता है, आप थोड़ा छेड़छाड़ करोगे तो इतना खूबसूरती के लिए आप लगा सकते हो। विवादी जिसको कहते हैं, विवाद मतलब विवाद पैदा होता है ना, मतभेद लोगों के हो जाते हैं, तो विवादी स्वर अगर हम लगा देते हैं तो कई बार खूबसूरती भी बनती है। ये तो हो गया कि सुगम में करते हैं। एक और चीज होती है, यमन है और यमन के अंग की, यानी कल्याण अंग की और भी कई रागे हैं जिनमें और यमन में थोड़ा 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 फर्क होता है। जैसे कि हम याद बात करें तो शुद्ध मध्यम के साथ अगर हम लगाते हैं तो राग हल्की बदल जाती है। नी रे गा प म रे गा रे नी धा सा, जैसे यही गाना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना ना, शुद्ध मध्यम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है ना ना। तो ऐसी कई और भी रागे हैं, जैसे यमन कल्याण है ना, जिसमें दोनों मध्यम लगते हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, यमन का ही चलन है, हमको लगता है कि यमन ही जा रही है, यमन ही जा रही है, और अचानक एक मध्यम लग गया तो शायद ये तो यूं ही होगा, है ना, खूबसूरती के लिए। नहीं, कई बार राग भी पूरी की पूरी बदल जाती है उससे, है ना। लेकिन अंग जो है वो कल्याण अंग है, जैसे पूर्या कल्याण है, पूर्या कल्याण का पूरा अंग पूर्या और कल्याण पर है। पूर्या यानी मारवा थाट की राग, है ना, सा रे ग म ध म ध नि सा नि ध म ग रे सा, है ना, ये मारवा थाट हो गया। तो अब वो जो जा रहा है उसका अंग, नी रे ग रे म ग रे सा ग रे म ग रे सा स नि ध रे रे सा, है ना, द र र न र न ड न। देखा आपने, पंचम लगा दिया, जबकि मारवा में पंचम वर्जित है, मारवा में पंचम नहीं लगता है, पूर्या में पंचम नहीं लगता है, पर क्योंकि ये पूर्या कल्याण है तो हल्का सा पंचम लगा दिया हमने, पूर्या और कल्याण को मिक्स करके। तो ऐसे भी कई रागों का निर्माण होता है जिसमें दो रागें मिलकर बन जाती हैं, है ना। तो अब कुछ और अगर गीत हम देखें तो गुलाम अली खां साहब, जो बहुत फेमस हमारे गज़ल गायक हैं, हमारे गुलकार हैं, तो उन पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कई गीत बनाए हैं तो और कई गज़लें बनाई हैं। तो इनकी बहुत फेमस गज़ल है, शाम के वक्त जाम याद आया। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि यमन और शाम के वक्त का क्या अपना रिलेशन होता है, तो उन्होंने क्यों इसी गज़ल में फिर यमन का ही क्यों चयन किया, क्योंकि शाम के वक्त की बात हुई है, है ना। शाम के वक्त जाम याद आया, कितना दिलचस्प काम याद आया, है ना, ये भी उसी अंक का है। और एक और उन्होंने बनाई है, वो भी शाम के वक्त पर ही है, आ गई याद शाम ढलते ही, आ गई याद शाम ढलते ही। तो ये आप देख रहे हैं कि शाम का जिक्र हुआ तब उन्होंने वो लिया, उस यमन का चयन किया। और जब दीप जले आना, दीप कब जलते हैं, शाम के वक्त, है ना, जब हम क्योंकि आज तो चलो
रोशनी के लिए ट्यूबलाइट हैं और वो सब है, लेकिन जब वो ज़माना था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब चिराग जलाए जाते थे, है ना, ये जलाए जाते थे। तो ऐसे ही एक और गज़ल है, मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, कमर जलालवी साहब, उस्ताद कमर जलालवी शायर हैं इसके। अब इसमें भी देखिएगा कहाँ यमन क्यों चुना है उन्होंने। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शाम अलम जब के आया, चरागे सहर बुझ गया जलते जलते। तो इसमें भी चराग, सहर और शाम की बात हुई, तो उन्होंने इस राग का चयन किया, है ना। ऐसे ही और भी है, जैसे आपने वो गीत सुना हो, वो गज़ल सुनी हो, वो नज़्म है एक कि आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद। अब इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग है, जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। जब अंतरे की तरफ हम जाते हैं या शेर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा चढ़ाव जाता है, तब हम ये चलन देखते हैं, गमा दानी मादानी सा, है ना। अब जैसे हम एक और गजल देखते हैं खान साहब की, के खा कर जख्म दुआ दी हमने, है ना, खा कर जख्म दुआ दी हमने, बस उम्र बिता दी हमने, है ना। सन्नाटे के शहर में तुझको, सन्नाटे के शहर में तुझको, सन्नाटे के शहर में तुझको, बेआवाज सदा दी हमने। ये भी अमन में ही है, उन्हीं की एक और गजल है, दिल वालों क्या देख रहे हो, इन राहों में। ये भी उन्हीं की है, यमन में ही है। और हम एक और देखें तो मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, है ना, ये कुछ इस अंदाज़ की गज़ल, ये भी उन्हीं की है। तो ऐसे खूब बनाई उन्होंने, सोचते और जागते, ये भी उन्हीं की गज़ल है, ये भी उसी पर है। और बहुत ही फेमस एक मेहदी हसन साहब की एक गज़ल है जो हम बहुत ज़्यादा हम सब सुनते हैं, और वो अहमद फराज साहब की लिखी हुई है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए यारन। इसमें भी शुद्ध मध्यम का प्रयोग है, तो अब हम देख सकते हैं कि कई बार उन्होंने पूरी की पूरी राग ही दूसरी ली होती है, कई बार सिर्फ शुद्ध मध्यम का प्रयोग लिया होता है। जैसे मेहदी साहब की एक और गज़ल है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। अब यहाँ हल्का सा आप देखिएगा, थोड़ा चेंज है, तन्हा तन्हा रोने वालों कौन तुम्हें याद आया है। कोमल ऋषभ का प्रयोग किया है और वो मारवा अंग से किया है, कौन तुम्हें याद आया है, समझ रहे हैं आप, है ना। ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था पूरिया कल्याण, तो इन्होंने मारवा का थोड़ा टच ले ही लिया वहां पे। बाकी तो बहुत फिल्मी गाने हैं, जैसे कि चंदन सा बदन ना 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 ना, है ना, वो है। और फिर और भी है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये भी एक फिल्मी गाना है जो यमन में ही है। तो यमन के आप अगर इन गानों को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको यमन का चलन बैठने लगेगा। महज आप राग तो कर ही रहे हैं, है ना, पर साथ साथ में गाने भी अगर उनके सुने, गज़लें भी अगर आप सुने, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और जो आजकल के गाने बनते हैं, जो बॉलीवुड के आजकल के, उनमें भी कहीं ना कहीं उसका टच ले लिया जाता है। जैसे कि आपने लाल इश्क सुना होगा, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये अब इश्क ये बैर इश्क तुझे संग बैर लगाया, ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा,
ये भी वही अंग है। ये मोह मोह के धागे डरा 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 ना, ये भी थोड़ा थोड़ा वही है अंग है, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यमन जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, ये उस ज़माने से लेकर जब दीप जले आना से लेकर मोह मोह के धागे तक आज तक यमन चल रही है और कभी ख़त्म नहीं हो रही है, है ना। जैसे कि आपने भी मुझसे सवाल किया था कि एक राग में ख्याल बनते हैं तो क्या उनका सबका चलन अलग होगा, ऐसा नहीं है। चलन जो है वो राग का इतना ही है, पर उसी में यही तो तासीर है संगीत की कि कभी रिपीट नहीं होता है, वो हमेशा हमको लगता है कि कुछ तो भी नया है ये, कि ऐसा पहले कभी गाया नहीं गया है। अब अगर हम बात करें तो यमन से ही रिलेटेड जैसे एक और गजल है जगजीत साहब की है, निदा फाजली की लिखी हुई है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, है ना। ये गजल है उनकी, बड़ी ही खूबसूरत गजल है ये उनकी है। और फिर मेहदी साहब की है गजल है, गली गली मेरी याद बिछी है प्यारे रास्ता देख के चल, कितनी खूबसूरत गजल बनाई है उन्होंने इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें यमन से ही रिलेटेड और जो रागे हैं यानी कल्याण थाट की और रागे, जैसे कि भोपाली है वो कल्याण थाट की राग है, हम देखते हैं उसमें तीव्र मध्यम नहीं है पर वो कल्याण थाट की राग है। गरे सा धा सा रे गा रे गा धा प रे सा, धा सा रे गा प रे गा प धा गा प धा सा धा प गरे धा सा। इसमें खान साहब की एक गजल है गुलाम अली खान साहब की, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। अब ध्यान से अगर आप सुनोगे यमन को बहुत बार सुनने के बाद भोपाली सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं चलन आ रहा है उसका। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम से तू होने लगे, दाग दहलवी साहब की लिखी गजल है ये। मध्यम तीव्र नहीं है इसमें, तब भी ये आप देख पा रहे होगे कि चलन कल्याण का ही है, ये भोपाल है, भोपाली है, ठीक है। इसमें जब एक शेर आता है तब ये थोड़ा सा कल्याण अंग दिखाते भी हैं उसमें तीव्र मध्यम लगा के। न चाहिए पैगाम बर दोनों तरफ, लुत्फ क्या जब दूबदू होने, यहाँ तीव्र मध्यम लगाया, लुत्फ क्या जब दूबदू, है ना। ये उन्होंने उस शेर में लगाया है कि ना उम्मीदी बढ़ गई है इस कदर, आरजू की आरजू होने लगी। तीव्र मध्यम भी इन्होंने प्रयोग लिया, लेकिन हम ऐसा अक्सर नहीं करते हैं शास्त्रीय गायन में क्योंकि निबद्ध होता है नियमों से। तो मेरे ख्याल से राग यमन पे इतनी चर्चा काफ़ी होगी, बाकी आप और ढूंढिए राग यमन पे गीत, बहुत गीत बन जा चुके हैं आज तक। और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें यमन बेस्ड लोगों ने सॉन्ग्स के बारे में चर्चा करी, तो मेरे ख्याल से वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो राग है बड़ी खूबसूरत राग है, ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में कि कुछ ऐसी रागें लेकर उनकी प्रकृति बताकर कोशिश करूं कि उनके कुछ गीत कुछ गज़लें आप तक पहुंचा सकूं जिससे कि वो राग आपके जहन में और बैठती है, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड के वीडियोस एंड सीखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड से। सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।